खाने जा रहे हैं वड़े, जिन्हें हम दही में डालकर भी खा सकते हैं, सांभर में डालकर भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए हमें चाहिए बेसन और चावल का आटा। ये मैंने जीरे को थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ा सा कोट लिया है। ये मैंने हरी मिर्च काट ली है। इसके अलावा दही पौना कटोरी ले ली है। तो अब हम शुरू करते हैं वड़े बनाने। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम दही को डालेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। इसको हिलाएंगे अच्छे से। इसमें हम बेसन को डाल देंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। जीरा जो हमने रखा था वो डाल देंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसे अब हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। देखिए, ये आटा हमारा गूंथ कर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे, एक हाथ को थोड़ा सा तेल लगाएंगे, फिर इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे बनाएंगे। अब ऐसे ही हम सभी बनाकर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। अब ऐसे ही हम सभी बनाकर रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वड़े ऐसे बनाकर रख लिए हैं। अब एक तरफ मैंने तेल भी गरम कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए, बड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अरे लाइक तो कर दे। देखिए फ्रेंड्स, बड़े हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे बड़े बने हैं। देखिए, इन्हें आप ऐसे ही खा सकते हैं, सॉस के साथ या दही में डालकर या सांभर में डालकर भी खा सकते हैं। वाह, बहुत ही टेस्टी हमारे वड़े बने हैं। आप भी खाएं, अपने परिवार को भी बनाकर खिलाएं और इन्जॉय करें। धन्यवाद।